फुल कवर्ड बेड है जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इन है मार्केट में ही वाला। इसमें आप देखिए बेसिकली ये जो बात होती है ऊपर, ये आदमी को देखो सबसे पहले आदमी का यूज़ करता है ये चीज़, यहीं आदमी सोता है। ठीक है, ये 18 प्लाई है इसके ऊपर। अच्छा, पूरा का पूरा बेड बोर्ड में बना हुआ है, अच्छा ऊपर 18 प्लाई है, नीचे 15 प्लाई डाला हुआ है। ठीक है, फुल फर्निश्ड है। कपड़ा भी हमने इसमें जो लगाया हुआ है ना, आप इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान से, फुल स्टिच ऑटोमेटिक स्टिच जो आता है कंप्यूटर स्टिच वाला कपड़ा लगा हुआ है। हाँ जी, इसका जो साइज मेरे हिसाब से बैक का 9 फीट है। 9 फीट बैक का साइज है जो बॉक्स पीस में है। हाँ, बॉक्सेस हमारे क्या साइज रहता है अभी फिलहाल? बॉक्सेस का 15 इंच की हाइट में बॉक्सेस है, फ्लोर टच बॉक्सेस है, नीचे से गैप 1 इंच का गैप है और अंदर डीप 15 इंच है, 6x6 का बॉक्स होता है। इस पर जो मैटर साइज आपका आएगा वो 72x70 का मैटर साइज आएगा। ठीक है, वो तो एज पर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा मर्जी बन जाएगा वो बन जाएगा। ये 6 फीट का है। हाँ, ये भी कुछ 6 फीट का बेड है। पॉलिश नहीं कर रखी इसको? मैंने पॉलिश देखो बेसिकली इसलिए नहीं कराया कि कस्टमर को पॉलिश में पता नहीं पड़ता कि क्वालिटी क्या है। अच्छा, अब आप देखो इधर थोड़ा पास आकर दिखाओ कस्टमर को। ये मेरा एप्लीकोट का प्लाई है, ISI प्लाई है। ठीक है, ISI नंबर मिला हुआ है, सेम 15 mm डाला हुआ है इसी कंपनी नीचे। इसमें भी ये ISI बांका होगा। ठीक है, निर्माण का प्लाई है 15 mm का। अब आप इसको देखो, अब ये है एग्जैक्ट 18 mm। ठीक है, और उसकी पहचान प्लाई की, ये प्लाई की पहचान में देखो, ये लेयर जिसे हम कोर बोल देते हैं, ये कोर्स होती हैं, ये बोर्ड में नहीं होती। प्लाई की फिनिशिंग देखो, ये जो फेस भी है सब प्रॉपर 18 mm है, प्रॉपर 18 mm। इसको हमने इसीलिए ही रो दिखा रहे हैं वीडियो में, तभी कस्टमर को लगे कि हाँ कोई गंदा प्लाई यूज़ नहीं किया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लोगों को पता लगा कि ये प्लाई की अच्छी क्वालिटी की? क्योंकि अच्छी क्वालिटी वो होती है जिसमें वेट देखो, मैं इसको उठा रहा हूँ एक हाथ से। हाँ, वेट वेट मैं वही देखो इसका। अब मैं इसको अगर हल्के हाथ से उठा रहा हूँ तो ये इतना वाइब्रेशन में मेरे हाथ कांपने लगेंगे, मतलब वेट है काफ़ी। हाँ, हैवी अप्लाई बहुत। ये देखो आप, कैमरा में नोटिस नहीं हो रहा कि आपका हाथ कांप रहा है। अब देखो आप आराम से, ये देखो पूरा हाथ कांप रहा है, इतना वेट है इसमें कि हाथ कांप रहा है। हाँ, ये है प्रॉपर 18 mm। ठीक है, तो अभी ये 6 फीट का जो इतना, कोई अस्तर वगैरह नहीं लगा होगा, SS के हैंडल होंगे, SS की फिटिंग होगी। अब देखो, अब इसकी सेम वही चीज़ एकदम साफ सुथरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। बेशक आज कहीं भी हाथ हाथ लगाइए, कोई डस्ट, कोई इसमें धांस नहीं, कुछ नहीं, कोई अस्तर नहीं लगा हुआ इसके अंदर। ये हम फिनिशिंग आपको देने वाले हैं। ठीक है, अपने 6 फुट वाले बेडों में। अच्छा, 6 फुट में? जी, 9 फुट के हर बेड में मिलेगा, हर फुट में यही मिलेगा, हर बेड में हर बॉक्स में यही बिल्कुल बिल्कुल फिनिशिंग मिलेगी। पूरा अंदर बाहर नीचे 15 मिलेगा। ठीक है, ऊपर भी SS का काम है, पूरा फुल पॉलिश की कलर बेड जैसे हमने देखा, फुल कवर्ड है वो भी। इसमें पूरा का पूरा पॉलिश हुआ हुआ है, PU SIM मैट है। ठीक है, थोड़ा सा आपको फिनिशिंग में लग रहा होगा, पूरा पुराना बेड रखा हुआ है, थोड़ा सा आपको नई फिनिशिंग बढ़िया फिनिशिंग की मिलेगी। ये बेड में एक फर्क है, ये बैकिंग स्वेड है। अच्छा, इसके कपड़े के पीछे बैकिंग होती है। अच्छा, हैवी होता है वो कपड़ा है इसके अंदर लगा, पैकिंग होती है जो पैकिंग नहीं, बैकिंग बैकिंग मतलब कि डबल कपड़ा होता है। अच्छा, कपड़ा फटता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, इसके आप स्टूल्स देखिए। अच्छा, स्टूल्स में थोड़ा काम है इसमें। ठीक है ठीक है, गुलाई है स्टूलों में, इसमें थोड़ा सा ये काम है और ये गोल्डन पॉलिश हो रखा है, थोड़ा सा इसका फर्क आया था बस, बाकी कुछ नहीं, एकदम चटाई वाला बेड है। देखो चटाई, जी चटाई वाला बेड। ठीक है, फुल कवर्ड है, फुल अपोस्टेड है। इसका बंद करेंगे ये ऊपर, पहले दिखा दो, इस पे प्लाई लगा पूरा, वही 18 mm प्लाई लगा हुआ है। आपको ये 18 mm प्लाई, 18 mm ऊपर, ये 15 mm नीचे मिलेगा। ठीक है, पूरा एकदम, कोई इतना भी सामान इसके अंदर रखो। ठीक है, तो ये, हाँ हाँ, ये बहुत प्यारा कलर है, वाइन कलर है हमारे वाला। तो आपके पास वैसे कितने कलर ऑप्शन होते हैं? मेरे पास 25 कलर हैं इसी कपड़े में। नहीं, फैब्रिक तो है इसी कपड़े में, कलर इसी कपड़े, अच्छा, कलर। इसी कपड़े में 20 से 25 कलर हैं इसी, 20 से 25। हाँ, कस्टमर चूज कर सकता है। वैसे हम जनरली वही कलर लगाते हैं जो देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, वो तो देखो सर आपको अच्छा लगता है, पर अब क्या पता जो ले रहे हैं उनको पसंद ना हो। हाँ, उनकी पसंद के हिसाब से जैसा मर्जी कलर लग जाएगा, जैसा मर्जी फैब्रिक, जैसा मर्जी लग जाएगा, जैसा वो मांगे वैसा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला जनरली बेसिकली बेड जो है ना वही लो हाइट का है, 12 इंची इसके अंदर। अच्छा, बॉक्स है, फ्लोर टच है, देख सकते हैं ये 15 इंची, ये 12 इंची फ्लोर टच है ये। ये वाला बेड भी सेम क्वालिटी वही रहेगी, 9 फीट का बेड है और 4.5 फुट की बैक है। चटाई वाला जो हो गया, चटाई वाला बेड आ गया। अब देखो इसमें अंदर, जी जी दिखाइए, अच्छा ये थिकनेस है 15 mm की आपकी। अब प्लाई के वाले फिनिशिंग देखो आप, पूरा देखो आप प्लाई। अच्छा, ये पूरी प्लाई रॉ इसलिए रखी दिखाने के लिए, दिखाने के लिए पूरी प्लाई है। ये देखो आप पूरा, हाँ हाँ ठीक है, ये है 15 mm, ये 15 mm मेंटेन कर रखा है, बना के रखते हैं बेडों को। पहले आप आइए, बेड की फिनिशिंग देखिए। जी जी, पूरा बर्जर का इस पर PU हुआ है। मैं अभी आपको ये मैं दिखा दूँ, ये पॉलिथीन है कि दूर से आपको कुछ और ही लग रहा है? ये पॉलिथीन है, ये यहाँ पॉलिश है। हाँ हाँ, ये पॉलिश है। हाँ ठीक है, अंदर से भी इसका बॉक्सेस पूरा हमने पॉलिश करवा के रखा हुआ है, देखिए आप। ठीक है, बट
ये देखिए प्लाई की फिनिशिंग, इस वाले बेड में 1.5 इंच का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको, ठीक है, वहाँ पर हमारा 2 इंच सवा 2 इंच था, यहाँ 1.5 इंच दे रहे हैं, 1.5 इंच प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसमें नीचे 15 mm है, ऊपर 15 mm है, पूरा प्यू पॉलिश का बेड है, इकोनॉमी रेंज का बेड है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना अंदर खड़ा होकर इसमें पूरा ये रहा। जी जी मजबूत है एकदम, सब खड़ा होकर दिखाते पर ऐसे कोई मार के दिखाता जो आपने, मैं इसके अंदर कूद के भी दिखा सकता हूँ आपको, तो दिखा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, वैसे तो अच्छा नहीं लगता है कूद, बस तसल्ली के लिए, जी तसल्ली के लिए बहुत। ये क्या है ना, कस्टमर के कुछ डाउट कुछ हो, कोई मैटर नहीं है, कस्टमर में रहता है कि मैं पैदा करके कुछ चीज़ अच्छी मिलनी चाहिए, बस एक होता है एक वहम होता है ना, कहते हैं वहम की कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है, हम दवाई ले आए ना वहम की। अच्छा यही वहम की। इसके साथ बहुत प्यारा बहुत सिंपल बेड रखा है जो लैमिनेट वाला, इसके बारे में बताई दीजिए, वैसे तो आजकल कोई मांगता नहीं पर SGMR आता है। अच्छा प्री लैमिनेट आता है SGMR, ठीक है, इसमें हम एक्शन का यूज़ करते हैं। अच्छा ग्रीन प्लाई नहीं यूज़ करते, एक्शन केवल हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर पूरा प्री लैमिनेट है, बॉक्स भी इसके लैमिनेट है जो देखो आप, तो मतलब हर तरफ SGMR लगा ना पूरा टोटल आप, ठीक है, यही थिकनेस है सबकी 15 mm पूरा, नहीं 15 mm नहीं है ये 18 mm है सर, ये लग नहीं था मेरे को पता, हाँ ये 18 mm है। अच्छा ये 18 mm है, ठीक है, आप चाहो तो अपना स्केल लेके आओ चेक करो। अच्छा इसमें एक खासियत और है, SGMR बहुत से लोग यहाँ पे जिसका एज बेंडिंग लगाते हैं, ये ऑटोमेटिक मशीन से PVC का लगा हुआ है 0.8 mm का, ऐसा फिनिशिंग ना आए अच्छा नहीं लगता, ये प्रॉपर फिनिशिंग है SGMR बोर्ड पे, ऑटोमेटिक मशीन से PVC टेपिंग हुई हुई है तभी बेड बना हुआ है वो मैंने। अब ये देखो आप इसका बेड का बॉक्स, सेम बोलते हैं जी कच्चा है मजबूत नहीं है, ये देखो तो आप इसकी क्या फिनिशिंग है, मज़ा आ गया सर देख के, अंदर डिको है, हाँ ये डिको है वही जो मैंने आपको दिखाया, डिको में फिनिशिंग आप देखो प्रॉपर सर, जबरदस्त, कोई कह नहीं सकता कि ये वो रखा है आपका पेड़, ये लैमिनेट लग रहा पूरा, नहीं नहीं लैमिनेट नहीं, अगर कोई यही सेम अंदर जो डिको रखा है हर पेड़ में मांगे मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल लैमिनेट मिल जाएगा, यही वाला लैमिनेट नहीं यही डिको मिल जाएगा, कलर ये कलर ग्रे है सर, ये ग्रे नहीं थोड़ा हाँ ब्राउन ग्रे में टच में आ रहा है, ये सेम मिल जाएगा बैट, आप देखो पहले बैट की वर्कमैनशिप देखो, हाँ बताओ बताओ बताओ, पूरा SS देखो आपने यहाँ मोल्ड किया हुआ है, 304 है, रस्ट फ्री है पूरा, आप इसकी फिनिशिंग देखो बैट की जबरदस्त। एक और खूबी है मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने काम किया है इसके अंदर, लगभग आजकल वन पीस का मैट्रेस लेते हैं, हाँ, हाँ, बहुत, वन पीस मैट्रेस को खोलने के लिए आप साइड से खोलो उठता नहीं, नहीं उठता। तो मैंने स्टोर्स पे देखा है, ये इसके अंदर भी ऊपर भी 18 mm है, ये नहीं है कि हमने प्लाई पतला लगा दिया है, ठीक है इसके भी 18 mm आता है, 18 mm प्लाई है इसमें भी, ठीक है इस वाले बेड में नीचे भी 18 mm है, ठीक है। अभी तो हार्डवेयर लगा हुआ आपका ये, हाँ इस हार्डवेयर की क्या वारंटी लेते हो आप, प्राइस बिल्कुल यूनिक डिजाइन है, आगे आगे फुला पूरा का पूरा गोलाई में काम है, हाँ जी हाँ जी, ये देखिए पूरा गोलाई में काम है साइड का इसका, वही फिनिशिंग देखिए इसकी आप, 18 mm ऊपर है वही प्लाई सेम हैवीनेस, ठीक है अंदर की फिनिशिंग देखिए इसकी एकदम साफ सुथरा, वही मैं कहता हूँ बार बार साफ सुथरा डिको, साइड टेबल्स बहुत प्यारी, साइड टेबल्स की गोलाई में है जी जी, पूरा SS लगा हुआ 304, ये क्रीम कलर में है, अच्छा ये वाइट नहीं है, ठीक है फोटो में आपको उतना कैसा दिख रहा है, हाँ। उसको या तो जीने का साइज का इतना बड़ा, ये पूरा यहाँ से लेके वन पीस और यहाँ तक ये वन पीस में होता है, ठीक है नीचे से लेकर ऊपर तक ये वन पीस पूरा वन पीस होता है यहाँ से यहाँ तक, हाँ। तो इसको बड़ा लिफ्ट चाहिए सर्विस लिफ्ट या तो ले जाने के लिए या फिर जीना चाहिए बड़ा, या रस्से से खींचा जा सकता है, रस्से से नहीं खींचा, रस्से से खींचने से ये बेड की फिनिशिंग बेकार हो जाती है, अच्छा हम उसको प्रेफर नहीं करेंगे कस्टमर को, कस्टमर पैसे खर्च करेगा, कॉस्टली बेड है खराबी आ जाएगी फिनिशिंग में खराब हो जाएगी रस्से से खींचने पर। इसमें काफ़ी कलर मैंने देखा, मैंने ग्रे कलर में ये फोटो में देखा ये डिज़ाइन, और बहुत प्यारा लगता है, ठीक है लगा में बिल्कुल, ठीक है उससे पाइपिंग वर्क कितना अच्छा हो रखा है, आप सोफे की फिनिशिंग देखो प्रॉपर थोड़ा चेस्टर फील्ड का काम किया हुआ है, यही गोले की मीन होता है शार्पनेस की देखो आप कितनी फिनिशिंग है सोफे, प्रॉपर सिलाई मिलेगी कोई धागा निकला हुआ नहीं मिलेगा, पूरा इसमें आगे से पूरा फ्रंट पे काम किया हुआ है, साइड में चेस्टर फील्ड का काम किया हुआ है, सेम स्टूल पफी में किया हुआ है, आप पफी भी देखो यूनिकनेस पूरी पफी में गोलाई है, ठीक है अच्छे से ठीक है नीटनेस है, तो 40 डेंसिटी फैदर फॉर्म का 2x1.5 का फ्रेम होगा, अच्छा 2.5 का फ्रेम होगा, 2x1.5 का फ्रेम, ठीक है मरंडी का 2.5 का फ्रेम मिले जी, इसमें इतना अच्छा वर्क कर रखा है पाइपिंग का, पाइपिंग का बहुत कम लोग पाइपिंग का काम करते हैं क्योंकि पाइपिंग अनिवंशी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है ना, तभी बहुत कम लोग पाइपिंग का काम करते हैं सोफे को, है ना, साथ में कॉर्नर सोफा है, इसमें हमने एक चेयर अलग से एक्स्ट्रा दे रखी है, किसी के समय को होता है कि राइट हैंड साइड में बड़ा करना है लेफ्ट में बड़ा करना है, अच्छा सेक्शनल है ये चेयर, इसमें अलग से है चेयर को आप इसे कहीं भी रख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है कॉर्नर में भी चेस्ट फील्ड काम किया हुआ है थोड़ा सा, ये कंट्रास्ट में फैब्रिक है डार्क और बिल्कुल लाइट का, और थोड़ा एक गोल्डन टच दे दिए जो फैब्रिक यूज करा हुआ है पूरा, बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक है ये भी फैब्रिक है बिल्कुल, ये भी फैब्रिक है, इसकी देखो साइड में इसका इतना अच्छा काम किया हुआ है हमने, वो प्रॉपर सिलाई वाला काम है, सिलाई का काम है, ये देखो पूरा फिनिश दिया हुआ है, गोल्डन लेग लगे हुए हैं सोफे के हिसाब से, यही मैं कह रहा हूँ बेस पे भी जो इसके बॉटम पर, सो लेग्स दे दिए SS गोल्ड फिनिश में,
अगर इसमें एसएस गोल्ड है, इसमें ब्लैक कलर है, तो इसमें भी मिल जाएगा ये कलर? ये मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा मैचिंग से लगाते हैं, इसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अगर कोई कहता है कि अभी गोल्डन में इसमें एसएस के ले गए, इसमें मेरे को रोज गोल्ड लगा दो, तो लग जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, रोज गोल्ड भी लग जाएगा, एसएस भी लग जाएगा, गोल्ड भी लग जाएगा, तीनों लग जाएंगे, और कोई रेट का डिफरेंस नहीं है, सेम रेट में मिलेगा आपको। सेम रेट पर मिलेगा, अगर आप इस पे भी सेम लेक्स लगवा रेजिन है, रेजिन ओरिजिनल रेजिन नहीं, वो सिंथेटिक रेजिन होता है। अच्छा, ये सिंथेटिक रेजिन होता है। सागवान से थोड़ा सा अपने बजट में लाने के लिए हमने इसको बनाया है, और फैदर इसमें लगा हुआ है, 32 इंच स्टिक ऑफ गद्दी है पूरी। ठीक है, वही बात जो मैंने बोला पहले आपको, प्राइस चैलेंज है और क्वालिटी चैलेंज है। फैदर 32 लगेगा, फैदर 32 लगेगा, फैदर 32 लगेगा, टोटल फैदर 32 ही लगेगा, पूरा फैदर 32 में, बहुत बड़ा पूरा फैदर फॉर्म में, पूरा फैदर फॉर्म में बनेगा। और सर ने बहुत अच्छी बात क्लियर करी कि ये रेजिन है पर सिंथेटिक रेजिन है, सिंथेटिक रेजिन है, कोई बताता नहीं है कि सिंथेटिक रेजिन है, सब कहते हैं कि रेजिन का है, रेजिन का है, सिंथेटिक रेजिन बताना जरूरी होता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी दिखाऊँ, कुछ भी बताऊँ तो सच्चाई से बताऊँ, साफ। कल को ये नहीं हो कि भैया आपने झूठ बोल दिया, वो काम नहीं। हाँ जी, तो टच पे वॉलेट फिनिश में है थोड़ा सा, ये साइड से थोड़ी कर्वी का साइड्स हैं, हैंडल पे भी इसका काम है, देखिए आप इसकी लैक देख लीजिए कितनी, मतलब कि एकदम यूनिकनेस है। जी 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 जी, गोल्डन टच है, गोल्डन वॉलनट पॉलिश है हमारी, बैक है और कर्वी सा डिजाइन है काफी, ये देखिए जी। तो इस सोफे का जो 7 सीटर है जी, तो इसका प्राइस क्या दे रहे हैं आप? सबसे पहले चेस्टरफील्ड की फिनिशिंग दिखाइए कस्टमर को। जी जी जी, की है इसके अंदर, पूरा टेबल में चेस्टरफील्ड है, पूरा सोफे में बैक में चेस्टरफील्ड है, यहाँ तक कि पफी में भी हमने मैचिंग सेम चेस्टरफील्ड किया हुआ है। 5 इंचेस इसमें स्टार लग लगा हुआ है, और आप बताओ क्या वाला स्वेट लगा हुआ है, और आप इसकी भी देखिए, इसमें पूरा इसमें हमने ये 12 mm का फॉर्म लगा के बर्फी का डिजाइन बनाया हुआ है, नीट एंड क्लास है, इसमें भी पाइपिंग का काम किया हुआ है। ठीक है, तो अभी इसका प्राइस, ये सभी सोफे में हमने दिखाया आपको कि दो पफियाँ मिल रही हैं आपको, इसमें आपको एक डिवाइडर मिल रहा है, ठीक है, जिसमें टफ्टिंग का काम हुआ हुआ है, और ये जो कपड़ा इस पे लगा हुआ है, इसमें आप फील करके देखो कपड़े में कितना स्मूथनेस है, ये कपड़ा है लेकिन लेदर फिनिश है। ठीक है, इसमें मेन अट्रैक्शन पॉइंट ये है, ये फर वाले कुशन है। ठीक है, बैक पे प्रॉपर वही सिलाई का काम है, सीट पे प्रॉपर सिलाई का काम है। ठीक है, हैंडल आप इसका देखिए, एकदम यूनिक हैंडल है। हाँ जी हाँ जी, ये हमारे जो वाटर में यूज होता है वो वाला हैंडल है ना? वो वाला हैंडल है, केवल डिजाइन के लिए डाला गया, कोई इसमें नहीं समझ रहा है इसके अंदर। तो मतलब इसमें ऑप्शन भी मिल जाएगा काफी ना, हैंडल्स में हैंडल पे ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा एसएस का हैंडल है इसे, ये लगता है इसमें अच्छा हैंडल लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, इसमें फुल बैक फाइबर का बैक है, वर्जिन फाइबर है इसके अंदर, वर्जिन है, कोई रेक्रॉन नहीं है, वर्जिन नहीं 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 कोई नहीं, वर्जिन है। ठीक है, और ये कॉर्नर है, ये कोई स्पेस कम होता है लोगों के पास, ये थोड़ा सा आपका छोटा सोफा है, 6x6 कवर करता है एरिया। ठीक है, इसमें एसएस की जाली का काम हुआ है, 304 का रस्ट फ्री है, बहुत साइड हैंडल है इसके अंदर, अच्छा दोनों तरफ एसएस का वर्क है। ठीक है, और अभी आपने टेबल देखी होंगी, 4x3x3 है, 4x2 का टेबल है इसके अंदर, बहुत रेक्टेंगल शेप में टेबल है, कॉर्नर सोफा है, फिनिशिंग अंदर की साफ सुथरी, पूरा कपड़ा लगाया हुआ है अंदर इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर एक छोटी सी एक ये हम ऑटोमन देते हैं, ये ऑटोमन में भी स्पेस है इसके अंदर, ये भी स्पेस सेविंग होगी हमारी जी, बहुत 1.5 इंची का हमने इसमें पूरा 1.5 इंची लक्कड़ लगाया हुआ है। अच्छा, हम दो डेढ़ बोल रहे हैं, दो डेढ़ का लक्कड़ इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, फील कर सकते हो, दो डेढ़, अच्छा ये भी लक्कड़ है, दो डेढ़ में, दो डेढ़ के फ्रेम पे वो बना हुआ है, ये पूरे लक्कड़ के फ्रेम में बना हुआ मरंडी वुड में। हाँ जी मरंडी, ये भी मेरे ख्याल से कमरे खोल के जा सकते हैं। जी जी जी, ये खुल, ये आपका ये खुल गया पूरा, सिंपली रखा हुआ है सोफा का बैड, वो मैं इसको दिखा दिया, खोल के दिखाता हूँ बैड बना के इसको मैं आपको, ये पूरा इसका बैड बनाते हैं, देखो हम ये खुलेगा पूरा यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा बेड बन जाएगा, मैं अभी बता दूं, हो जाएगी पूरी, तो ये सही से खुलेगा, ये अभी ये टेंपरेरी रखा हुआ है, सर निकाल के दिखा दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं कि अभी ये ठीक है, तो लिफ्ट से ला, अभी ये लिफ्ट से आया था और सीधा यहीं रख दिया था, क्योंकि इसको ऊपर वाले फ्लोर पर सेट करना है, पर हमने वीडियो में दिखाए थे तो उसके लिए स्पेशल रखवाया है। यहाँ पे इसमें लकड़ भी आप देख सकते हो, हम 12 बोल रहे हैं, दो डेढ़, इसे कहते हैं दो डेढ़ मरांडी है, ये देखो इसको भी आप देख लीजिए, कोई कस्टमर अपना डिजाइन लेके आएगा, जो सब कुछ काम अपना इनहाउस है, सब हो जाएगा। ठीक है, कलर तो जो सा मर्जी हो जाएगा, कलर जो मर्जी हो जाएगा, जैसा मर्जी आप चेयर का अपना डिजाइन लाइए, वो भी यहाँ बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है।